तो हेलो गाइस, यहाँ पर बात करते हैं iPhone SE 4 एंड हमारे दिल दुलारे iPhone SE 5G के बारे में, जो मतलब iPhone SE 3 के पकोड़े के नाम से सेल होता है। और हमारा जो A1 एनालिस्ट है वो यही बोलता है कि भाई यहाँ पर जो व्यूज है वो iPhone SE के नाम से आती है ज्यादातर हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब बनता है और जो बेल आइकन है वो दबाना मत भूलना। फॉर मोर अपडेट ऐसी तरीके की वीडियो आपको नहीं मिलने वाली है, जिसमें आपको बैकग्राउंड में का की क्या कर रहे हैं वो भी पता चलता है और बैकग्राउंड में बच्चे क्या करते हैं वो भी पता चलता है। अब सबसे पहले बात करते हैं iPhone SE 2022 के बारे में। इसका जो नेम है, मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है iPhone SE Plus, iPhone SE 4, iPhone SE 3, क्या क्या भाई फलाना ढमकाना सब कुछ चल रहा है इसमें। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ पर जो इसका नेम होने वाला है वो होने वाला है iPhone SE Plus, मतलब ये नाम से आने वाला है 5G के नाम से। अब मैं जानता हूँ बहुत लोग को खुशी हो रही होगी, बट वो जो प्लस है वो नहीं होने वाला है, ये छुटकू सा प्लस छुटकू ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमें मिलता है 4.7 इंच का डिस्प्ले। ये जो है वो LCD पैनल है और ये जो है वो 326 PPI को सपोर्ट करता है। उसके बाद जाते हैं iPhone SE 2023 में। सबसे पहले जो नाम है वो बताया जा रहा है iPhone SE 3 होने वाला है, ना कि iPhone SE 4। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है जो डिस्प्ले साइज होने वाला है वो होने वाला है दो साइज में, 5.7 इंच और 6.1 इंच के साइज में होने वाला है। क्विक नोट, यहाँ पर जो चीज है वो चेंज हुई है। सबसे पहले जो नेम है वो iPhone SE 4 होने वाला है, जो ट्वीट करके अपडेट दी है। उसके बाद यहाँ पर अभी जो डिस्प्ले जो है वो यहाँ पर जो है वो चेंज होने वाला है, मतलब वो OLED नहीं होने वाला है, वो LCD होने वाला है 2023 में। तो ये चीजें मुझे नहीं समझ में आ रही कि भाई अभी से क्यों यहाँ पर अभी बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पर अभी ये जो है वो नेक्स्ट जनरेशन जो है वो क्या होने वाला है। तो मुझे ये चीजें जाननी है, इस पर मुझे एक वीडियो बनाना है डिटेल से, कुछ चीजें समझनी है, तो स्टे ट्यून करना। तो ये चीजें हो जाती है और सब्सक्राइब लाइक शेयर सब कुछ कर देना। सो अदरवाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस आउट।